नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं चक्रासन की। अगर आप अपनी रूटीन में चक्रासन को ऐड करते हैं तो क्या होता है। नंबर वन, आज हम बात करेंगे कि चक्रासन क्या है। नंबर सेकंड, इसको कैसे करें। नंबर थर्ड, इसके बेनिफिट्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चक्रासन एक संस्कृत वर्ड है जो कि व्हील पोज भी हम जिसको बोलते हैं। ये उल्टा लेट के धीरे धीरे अपने पीछे हाथ ले जाके अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो आपको ये चक्रासन ऐसे करना होता है। अब बात कर लेते हैं ये किन लोगों को नहीं करना। वो लोग तो बिल्कुल भी ना करें जो बीमारी से पीड़ित है, और जो महिला गर्भवती है वो उसे अवॉइड कीजिए। अब नाउ इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपके चेस्ट को एक्सपैंड कर देता है, यानी कि चौड़ा बनाता है, और आपके लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है। और ये बेनिफिशियल है फॉर अस्थमा पेशेंट, और ये आपका स्ट्रेस व टेंशन रिड्यूस कर देता है। क्योंकि जब हम चक्रासन करते हैं तो उस टाइम हमारा ब्लड फ्लो हमारी ब्रेन की तरफ आता है और हमारे पेट की तरफ, जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छे से होता है। और ये आपके हड्डियों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाता है, और ये आपके एपेटाइट को ज़्यादा बढ़ाता है, या ये आपके बोन्स को व मसल्स को फ्लेक्सिबल बना देता है। तो आप इसे हर रोज़ अपने शेड्यूल में ऐड कीजिएगा, तब जाके आप इसके बेनिफिट्स देख पाएंगे। और ये आपके फेस पे ग्लो भी लाता है, बिकॉज़ हमारा जब हम ये करते हैं तो हमारा सारा का सारा खून हमारे फेस पे आता है।